बता दूं दुबई में मिरेकल गार्डन। ये है अमेजिंग मज़ेदार ब्यूटीफुल प्लेस मिरेकल गार्डन, दुबई में है ये। और ये जस्ट सीज़न में खुलता है लाइक अक्टूबर टू मार्च, लाइक जैसे आपको पता है कि ग्लोबल विलेज भी सिर्फ सीज़न में खुलता है वेदर की वजह से। और मैं फर्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ इसको। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग से कलरफुल, फूल ही फूल, सब कुछ इन्होंने फ्लावर्स से बनाया हुआ है यहाँ पर, एंड आउटस्टैंडिंग। ये देखें एलिफेंट कितना मज़े का बनाया हुआ है, वो कैसल बनाया हुआ है, बट सब कुछ फूलों से बनाया हुआ है इन्होंने। एक पार्ट इतना अमेजिंग और इतना ब्यूटीफुल है कि जहाँ जाओ सिर्फ कलर्स ही कलर्स और फूल ही फूल दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा आने में देर कर दी, अगर हम ये दोपहर में आते तो डे लाइट में द नज़ारा इज़ ऑसम। सो एज यू कैन सी बिहाइंड मी, ये जो कैसल है समी, ये जो कैसल है ये मुस्तकिल देखो कलर चेंज कर रहा है जी, ये कलर चेंज कर रहा है। ये जब आप पिक्चर्स में ले रहे हैं तो बड़ा मज़े का आ रहा है, बड़ा मज़े का आ रहा है। और हम इंजॉय कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि वेदर बहुत अच्छा है जी, और अमेजिंग वेदर अच्छा है तो आप आराम से घूम सकते हैं। वेदर पे डिपेंड करता है आप खुलता ही लिए, लेकिन ये आप बेस्ट वेदर में आए क्योंकि नहीं तो अभी यहाँ पे जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी जी, तो क्योंकि ये खुलता ही वही 6 मंथ्स के लिए है कि जब आप आराम से इस वेदर में बाहर वॉक कर सकते हैं दुबई में।
और ये मैं आ गई हूँ मिरेकल गार्डन से सीधा ग्लोबल विलेज। और ये चेक करें ग्लोबल विलेज की रौनकें, इंडियन चाट बाजार, ये सारी फूड स्ट्रीट बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे। और ये कतर, लबनान, ईरान एंड ऑल दैट साथ में आपको हम दिखाते रहेंगे। आगे पाकिस्तान भी दिखेगा अभी आपको, और टर्की भी है, और पता नहीं दुनिया के तमाम तमाम जो मशहूर मशहूर मुल्क हैं उनके सबके यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और मौसम बहुत मज़ेदार हो रहा है। और ये है ग्लोबल विलेज का लाइव नज़ारा। ये देखिए मीठे पकौड़े जो जिनको बोलते हैं, ये आई थिंक मैदे के बन रहे हैं। और इस पे क्या बोलते हैं, हाँ ये है इसका नाम लकुमार अल फ्री, आई डोंट नो, खैर बड़ा मजे का होता है, स्वीट। समी दिखाओ, और ये सामने दिख रहा है इंडिया। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। समी दिखाओ, नाइस। ये लग रहे गुलाब जामुन जैसे हैं, बट ये मैदे के बने हुए हैं और इस पर इन्होंने हनी डाल दिया है ना। चॉकलेट भी डलवा सकते हैं आप, लेकिन इट्स लवली। यू वांट टू ट्राई? फ्रिटर खा लिए मैंने, मजे के हैं। मुझे ऐसे में बहुत चीज़ें ट्राई करनी है तो इसलिए पेट नहीं भर रहे मैं। राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर फिली की चाय। फिली की चाय मिल जाए तो ज़िंदगी में सुकून आ जाए। चाय की शदीद क्रेविंग हो रही है। जनाब आप सीरियस में आप? तो हम फिलहाल फिली की चाय की तलाश में हैं। पहले हम अपनी चाय पियेंगे, उसके बाद सारे स्टॉल्स में जाएंगे। हेलो, हाय, विच वन यू वांट ज़ैनब? फाइनली ज़ैनब की फेवरेट चीरोस मिल गए। बोल दो उसको ऑर्डर कर दो। Ready to? They want to the manna? Yes, please. Yes. Sing? Yeah. Okay. With your Leila, Ayan, Leila. Sabah. Sabah. Vale. Okay. Sing for you. Okay. Sure. يا صباح الخير يا بنايا اللي على العين والوادع كلامك عسى الشهدولية طرق الهوى بالبشر عادة. واو واو، ثانك يو، بيوتيفول وورد، ثانك يو، ثانك يو سو ماتش. يا جاي هي تشاينا كاب بوردر. اور یہ سامنے دکھا رہا ہے الہند انڈیا، बहुत अच्छा बनाया हुआ है अंदर से भी, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। मैंने पहले देखा हुआ था, अभी मैं वो एक्सप्लोर करूँगी जो मैंने लास्ट टाइम नहीं देखा। चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन फिली नहीं है, कड़क चाय है। वही जहाँ से हम आए थे समीर,
गली और चाय की तलाश चल रही है जो अभी तक मिला नहीं है, और वो मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो वहाँ पे दिखा रहा है यूएई, तो मुझे सऊदी उम्मे अली ट्राई करना है। उम्मे अली एक अरेबिक डिज़र्ट है जो बहुत मज़े का होता है, मैंने सऊदीया में खाया था और इतना मज़े का था कि मैं उसको एवरीडे सुबह मैं ज़रूर खाती थी। पिल्ली की चाय तो मिली नहीं है, ये कड़क चाय की स्टॉल पे आया हम और हमने ये अपने लिए कड़क चाय यहाँ से ले लिया। हमने सारा थाई वाली साइड कवर कर ली, जापान, कोरिया, थाईलैंड सब कवर कर लिया। अब हम आए हैं सिर्फ यूएई मेरे बैग पे है, देन पाकिस्तान, देन कुवैत एंड बहरीन, कतर एंड देन मोरक्को वगैरह। तो अभी हम सारा वो सब कवर करेंगे, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यह बाकी है लेकिन ये मैंने वैसे भी देखा हुआ है लाइव, तो मैं वो कवर करूँगी जो मेन मेन हमारी एशियन साइड है। तो चलते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, फाइनली हम आ गए हैं पाकिस्तान में, जो कि मैं अभी पाकिस्तान से आ ही रही हूँ, लेकिन चलो थोड़ा अंदर चल के देखते हैं ये लोग पाकिस्तान में क्या क्या सेल कर रहे हैं। और ऑफकोर्स वही कपड़े होंगे, सब चीज़ें होंगी जो हमने ऑलरेडी देखी हैं पाकिस्तान में, लेकिन चले अंदर चल के देखते हैं कि क्या कल्चर दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान का। भाई पाकिस्तान में वही सब मिल रहा था जो अभी मैं देख के आई हूँ, कपड़े, वही कपड़े जो अभी लेटेस्ट तो नहीं कहूँगी मैं, ट्रेडिशनल जो चल रहे हैं वो सब थे। तो हमने फ़िलहाल, और टर्की को भी मैंने अंदर से जाके मैं नहीं देख रही बिकॉज मैं टर्की से भी अभी होके आई हूँ, सो नो पॉइंट टू गो इन देयर। सो हम चलते हैं अभी कुवैत, बहरीन, और उसी के साथ इजिप्ट भी है, और उसी के नेक्स्ट टू आई थिंक मोरक्को बना हुआ होगा। अभी हम मोरक्को में मौजूद हैं एंड हियर आर द ब्यूटीफुल मोरक्कन ड्रेसेस, दे ऑल आर ऑलमोस्ट फॉर्मल्स, लेकिन मुझे इनके स्पेसिफिक जो कैजुअल्स होते हैं मोरक्कन वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो टाइम टू गो नाउ, 12 बजा दिए हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12:15 हो चुके हैं, हमने पूरा बंद करा के ग्लोबल विलेज जा रहे हैं। और यहाँ पे कलर चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर एग्जिट पे, बहुत मज़े का था। मैं तो बोलती हूँ पूरा दिन क्या एवरीडे भी आओ तो आप इतना इन्जॉय करते हो यहाँ पे ग्लोबल विलेज में, और वेदर अच्छा हो तो बहुत ही मज़ा आता है, जो कि हमने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा मैं यहीं पे व्लॉग को फिनिश करूँगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।